खाना भी बहुत पसंद है। आपको खाना बनाने आता है? हाँ, खाना बनाने आता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक चैनल दीपू व्लॉग। मैं हूँ दीपू, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने अंजलि चौहान जी का इंटरव्यू लिया था, उस वीडियो में आप सभी का काफ़ी प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में अंजलि चौहान जी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, पार्ट टू। आई प्रॉमिस ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप लोग देखते रहिए, वीडियो को भी थोड़ा सा स्किप मत कीजिए। जैसे कि दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में जो चीज़ छूट गई थी, मैं इस वीडियो में उसको कवर करूँगा। अंजलि जी, पिछले इंटरव्यू के वीडियो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अंजलि जी, जब टिक टॉक नहीं था तो आप फ्री टाइम में क्या करती थी? क्या आप तभी भी डांस करती थी? हाँ, डांस करते थे, घर पे करते थे, प्रैक्टिस करते थे माधुरी दीक्षित का डांस देख देख के। अंजलि जी, अभी आप टिक टॉक के साथ साथ और क्या कर रही हैं? मतलब आप क्या स्टूडेंट हैं? अगर स्टूडेंट हैं तो किस क्लास में पढ़ रही हैं या कौन सा कोर्स कर रही हैं? बी ए फाइनल ईयर है इस साल, बी ए थर्ड ईयर है मेरा, पढ़ाई भी करती हूँ मैं, ग्रेजुएशन। अंजलि जी, आपके फैमिली में कितने लोग हैं और आप कितने भाई बहन हो? फैमिली में मेरे वैसे तो हम दो बहन हैं, तीन भाई हैं। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है, बहन की भी शादी हो चुकी है, सिर्फ मेरी बची, घर में सबसे छोटी हूँ मैं। अंजलि जी, ये थोड़ा चटपटा सवाल है, आप टिकटॉक पर स्टार बन गई हैं तो कितने लड़के का प्रपोज आता है रोज, हमारे दर्शकों को बताइए। अरे, अब वो कितने लड़कों का आता है क्या, ये मुझे नहीं पता, बट वो तो आता है, बट हमको नहीं भाभी है, इस टॉपिक को चेंज कीजिए आप। बचपन में आप क्या सोच रही थी कि हमें क्या बनना है, तो क्या सपना था आपका? सपना मेरा बहुत बड़ा सपना है। क्या सपना है बताइए? बताने में भी हंसी आ रही है, जैसे मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है, माधुरी दीक्षित जैसे डांस करने का शौक है, वो तो सपना मेरा पूरा हो गया। माधुरी दीक्षित जैसे मैं डांस कर लेती हूँ, और बहुत ही मैंने मेहनत किया है, और फिर मेरा यही है कि कहीं मुझे किसी जैसे फिल्म वगैरह हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत जो हाई लेवल का फिल्म होता है उसमें मिले, छोटे मोटे में ही मिले, बट लेकिन करने का शौक है कि एक्ट्रेस बनूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक्टिंग करूँ, डांस रोल मिले, ये सब मुझे बहुत पसंद है। चलिए, भगवान करे कि आपको बहुत जल्दी ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो जिस दिन आप बहुत खुश हुई हो, तो क्या आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगी? हाँ, जब मेरी वीडियोस वायरल होने लगी और मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, न्यूज़पेपर में मेरा नाम आ गया, जिससे और न्यूज़ वाले आने लगे मेरे वहाँ, मीडिया वाले, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगी और मेरा हौसला बढ़ने लगा कि हाँ, मुझे वीडियोस बनाना चाहिए। अंजलि जी, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और आपकी डांस का तो बात ना करो, माशाल्लाह, इसके पीछे का राज क्या है? आप खाती हैं क्या रोज, बताइए दर्शकों को। नॉर्मली खाना और क्या, दाल चावल सब्जी, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या जैसे कि आप यूपी से हैं, अगर आपको भोजपुरी फिल्म में काम करने का चांस दिया जाए तो आप किस स्टार के साथ करना पसंद करेंगे, बताइए? नीरव जी के साथ। नीरव जी के साथ? पवन जी के साथ नहीं करना पसंद करेंगी? अब पसंद, अरे सारे अपने जगह पे, सब कोई अच्छा है, बट लेकिन नीरव जी नीरव है। टिकटॉक पर फेमस होने से पहले और फेमस होने के बाद आपके लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आया है? बदलाव ये आया है कि टाइम को सही चीज़ों में उपयोग करना। अंजलि जी, कुछ बातें करते हैं आपसे, यस और नो वाले, ठीक है? आपको मूवी देखना पसंद है या एक्टिंग करना?
मूवी देखना पसंद है मुझे, जैसे माधुरी दीक्षित, सनी देओल, फिर से सलमान खान, उन लोग के समय की मूवी मुझे बहुत पसंद है और एक्टिंग करना भी बहुत पसंद है। आपको खाना बनाने आता है? हाँ, खाना बनाने आता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? फिलहाल तो नहीं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आपको बाइक चलाने आता है? बाइक चलाने अभी सीख रही हूँ। सीख रही हैं? चलाने नहीं आता है? नहीं, चलाने अभी नहीं आता, सीख रही हूँ। हमने सुना है कि आप अपने मम्मी जी से बहुत प्यार करती हैं। मम्मी जी से? कौन नहीं करता अपनी। अंजलि जी, आपको बाहर घूमना पसंद है, जैसे बाहर वगैरह, दिल्ली, पंजाब वगैरह, जहाँ पर आपको घूमना पसंद है? हम यहाँ निचलौल के तो हैं, बट आज तक अभी गोरखपुर नहीं देखे हैं, तो ज़्यादा बड़े बड़े जगहों पे घूमना पसंद नहीं है मुझे, ऐसे छोटे मोटे जगहों पे घूमना पसंद है। आप अपने बालों से बहुत प्यार करती हैं? हाँ बिल्कुल, लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है। हम सुने हैं कि आप अपने दोस्तों को बहुत मजा लेती हैं, दोस्तों का बहुत मजा भी लेती हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो सब मेरा ही मजा ले लेती हैं, सब मजा ले लेती हैं। अंजलि जी, आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? फिलहाल मेरा यूट्यूब चैनल तो नहीं है, बट लेकिन अब 2-3 दिनों में चालू हो जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल। आपको साड़ी पहनना पसंद है? साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है। अंजलि जी, आप एक चीज बताइए हमें, आपके सबसे ज्यादा लड़कियां दोस्त हैं या लड़के? वैसे हम लड़के दोस्त नहीं है, लड़कियां ही दोस्त हैं। ये ठीक है। अंजलि जी से हम पूछते हैं कुछ ऑप्शन सवाल। भोजपुरी बोलना अच्छा लगता है या हिंदी बोलना? कैमरा देखते रहिए। दोनों अच्छा लगता है। एक चीज बताइए आप। भोजपुरी। और ये बताइए, आपको डांस करना ज्यादा अच्छा लगता है या एक्टिंग करना? दोनों लगता है। दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा लगता है। आपके ज्यादा फ्रेंड लड़के हैं या लड़कियां? लड़कियां, लड़के फ्रेंड नहीं होते हमारे वहाँ, यानी चलो। आपको ज्यादा सपोर्ट कौन करते हैं, मम्मी या पापा? मेरे बाबूजी नहीं है, पापा जी नहीं है, तो मम्मी जी ज्यादा सपोर्ट करती हैं मेरी, माता श्री। आपके लाइफ में कौन है जिसे आप अपने दिल का बात बताना चाहती हैं? माँ बाप, भाई बहन, दोस्त या कोई और? अम्मा, अपनी मम्मी से। आप अपने मम्मी को दिल की बात बताना चाहती हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपने मम्मी को ही अपना दिल का बात बताते हैं, हम भी अपने मम्मी को ही अपना दिल का बात बताते हैं। अंजलि जी, आप सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग को। हाय फ्रेंड, दीपू ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। भैया बहुत मेहनत से वीडियोस वगैरह बनाते हैं, धन्यवाद। हम सब विश करते हैं कि आपको बहुत जल्दी फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर मिले और आप हम सभी को इसी तरह इंटरव्यू देती रहें, धन्यवाद। सभी इसी तरह अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, धन्यवाद। थैंक यू टेक इनकल ERP सर। थैंक यू।